हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कोट सेट की कटिंग करेंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये यह कपड़ा हमारा 2 मीटर है। अगर आपका कपड़ा 1.5 मीटर में भी है तो इसमें कोट सेट की कटिंग हो जाएगी। तो हमने पहले कोट सेट में ऊपर की कटिंग करनी यानी कुर्ती की। तो सबसे पहले इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखना है, उसके बाद इसे भी हम 4th फोल्ड कर देंगे, ठीक है, यानी 4 बार फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसे 4 बार फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है क्योंकि हमने कोट सेट की पूरी कटिंग करनी है, कुर्ती की भी और पैंट्स की भी। तो यहाँ पर मैं आपको अभी कुर्ती की कटिंग करना बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, जितनी आपको लेंथ लेनी है यानी लंबाई, तो यहाँ पर मुझे इसकी लंबाई जो है 32 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हमने 32 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको लंबाई रखनी है अपने ऊपर की कुर्ती का, उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसमें 2 इंच मार्जिन पर निशान लगाएंगे, ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम सीधी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कोट सेट की कुर्ती में जो गला होता है वो जो है छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा गला रखेंगे। तो सबसे पहले कंधे पर हमने 7 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से टेप को रखना है और जो हमारा कंधा यानी शोल्डर, उसका हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से सेम जैसे हम सूट पर निशान लगाते हैं ना, उसी तरीके से निशान लगाए। तो यहाँ पर भी हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस साइड भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड निशान लगाने से क्या होता है ना, जो हमारी लाइन होती है एकदम सीधी एक बराबर आती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी, यानी एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम जितना हमारा हिप तक है ना, उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 14 इंच पर हिप तक का पूरा निशान लगा लें। अब इसने हमने हाफ कर देना है यानी कमर का भी, तो ये हमारा 7 इंच हाफ हो जाएगा। 7 इंच पर हमने निशान लगा लें। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड भी निशान लगा लेना। अब हम इन निशानों को इस तरीके से एकदम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी हम निशान लगा रहे हैं, अब हम अपनी फिटिंग वाला निशान लगाएंगे, ठीक है। इसकी भी लाइन हम सीधी रख लेंगे। यहाँ पर ये सारे निशान तो हमने लगा लिया है, अब इसके बाद हमने फिटिंग वाला जो हमारा है ना वो निशान लगाएंगे। तो जो हमारे आर्म होल यानी चेस्ट लाइन का निशान है ना, हमने यहाँ पर 9 इंच पर रखना है। तो हमने यहाँ इसे 9 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से कमर वाला जो हमारा निशान है फिटिंग वाला, वो हमने 8 इंच पर लगा लिया। जो हमारे कमर का फिटिंग वाला निशान है वो 8 इंच है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे हिप वाला फिटिंग वाला निशान है वो हमने 10 इंच पर निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम इस निशान को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने आपस में निशानों को मिला देना है। उसके बाद इसमें हमने मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मार्जिन ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। और उसके बाद इन निशानों को भी मिला देंगे। इन निशानों को मिलाने के बाद अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर इस तरीके से पहले निशान लगाना है, उसके बाद ये इसी निशान से हमको हल्की सी यहाँ पर गोलाई देनी है। ये देखिए जिस तरीके से हमने सूट पर गोलाई देते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसकी गोलाई दे दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये नाप लेंगे, ये हमारा टोटल जितना होता है ना यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 12 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए निशान लगाने के बाद इनको भी आपस में इस तरीके से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर जितना फिक्स वाला हमने उसको भी हम निशान लगा कर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये निशान लग चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे आर्म होल पर हल्का झोल आता है ना, तो उस झोल को वो झोल ना आए तो यहाँ से हमने अंदर की साइड पे 1/2 इंच पर निशान लगाना और इस तरीके से टेप को तिरछा रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको हल्की गोलाई देनी है यहाँ से भी। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाने से हमारे आर्म होल पर झोल नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने निशान लग चुका है। यहाँ पर अब हमने टेप को इस तरीके से 1/2 इंच पर रखना है और शोल्डर को हल्का डाउन करेंगे ताकि इससे हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ शोल्डर यानी हमारा ये कोट सेट है ना एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से
हमने लाइन ड्रॉ कर दी ना हल्का तिरछा, ये हमारा इसमें अब झोल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कोट सेट की कुर्ती का पूरा निशान लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ हमें इसे कट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने जो पहला वाला निशान लगा उसी पर ये कट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बैक साइड के पल्ले को निकाल लेना है बाहर की साइड। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अंदर से हमने बैक साइड के पल्ले को बाहर निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से एक बराबर करके अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमने यहाँ से कटिंग करके जो निशान लगा हुआ ना, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हम सिर्फ आगे के साइड के यानी फ्रंट साइड के पल्ले पर ही करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो अब हमारे कोट सेट में कोई भी झोल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कोट सेट की कटिंग का तरीका बताया है। इसी तरीके से आपने भी बहुत इजी तरीके से कोट सेट की कुर्ती का कटिंग कर सकते हैं। अब हमने इसकी स्लीव्स यानी आस्तीन की कटिंग करनी है। तो ये आस्तीन मैं थोड़ा घेर वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से चार बार फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे चार बार फोल्ड किया है, और बंद वाली साइड अपनी साइड रखनी है और खुली वाली साइड अपोजिट। ये देखिए खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा चार बार फोल्ड है। सबसे पहले हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई में मेरे को 15 इंच चाहिए और 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे, ठीक है, यानी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको भी हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर अब हम अपने आर्म होल का जितना हमारा होता है ना चेस्ट लाइन का निशान, उतने पर निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन भी हमारा 9 इंच था, तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच पर हमने निशान लगाना है गुलाई देने के लिए। ये देखिए अब इसे हम हाफ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से हाफ करने के बाद यहीं से हमें इसे गुलाई दे देनी है। नहीं देखो इस तरीके से यहाँ पर गुलाई देनी है। अब हल्का से यहाँ पर भी हम डाउन कर देंगे। इससे हमारा आर्म होल में ना तो खिंचाव आएगा और ना ही झोल आएगा हमारी आस्तीन में। यहाँ पर ये निशान लग चुका है। अब हम अपने स्लीव्स की बॉटम पर निशान लगाएंगे। तैयार बॉटम हमने चाहिए 8 इंच। ये देखिए इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से इसे पहले हम हाफ कर लेंगे। ये देखिए हाफ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच पर, क्योंकि ये हमारा। अब हम इस तरीके से यहाँ पर टेप को रखेंगे और निशान लगा के इस तरीके से मिला लेंगे। ये आस्तीन हमारा घेर वाली आस्तीन है, इसलिए हमें ऐसा लगाना पड़ रहा है। आप सिंपल भी आस्तीन बना सकते हैं। अब इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हमारे स्लीव्स का पूरा निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कोट सेट की पैंट की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कोट सेट की कुर्ती की कटिंग बताई है आपको, इसी तरीके से आपने भी इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आस्तीन यानी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसे इस तरीके से घुमा लेना है। ये देखिए इस तरीके से घुमाने के बाद हमने ऊपर के 2 पल्लों को पकड़ना है और 2 को छोड़ देना है। ये हमारे आगे साइड के पल्ले का निशान है, जो हमने हल्का डाउन करके निशान लगाया था ना, उसकी भी हमने अब कटिंग कर लेनी है। यहाँ तो यहाँ पर हमने हल्के से नोचेस लगा देने हैं, ताकि इससे अगर निशान मिट भी जाए तो ये हमें याद रहे कि ये हमारा निशान कमर का और हिप का है, ठीक है। इस कोट सेट की पैंट की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोट सेट की कुर्ती की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।